श्रावण के लिए ऐसा उपाय मैंने बता दिया, संसार में ऐसा उपाय कहीं मिलने वाला नहीं, ऐसा दिव्य उपाय आपके हाथ में आया, वो उपाय क्या है? तो महाराज मैं आपको बताता हूं कि आदि शंकराचार्य किसी ब्राह्मणी के घर के सामने खड़े हुए, उनका पहले दिन उपवास था, आज पारणा, पारने के लिए वो खड़े हुए, भवति भिक्षाम देहि, जिस घर के सामने खड़े वो गरीब ब्राह्मण है, पति नहीं बच्चे नहीं, अकेली रहती है और खुद ही खाने में कहीं किसी प्रकार से वो कमजोर है, रोटी का ही उसको ही तकलीफ हो रहा है। अब ये एकदम तेजस्वी परम प्रतापी परम उत्तम ब्राह्मण संत को देख के मन में आया कि ये मेरे घर के सामने भिक्षा मांगने आए हैं, क्या मैं इनको खाली भेजूं? मन में आया कैसे भेजूं, लेकिन मेरे फाड़े पड़ रहे हैं खाने के, मैं ही कई दिन से नहीं खाई तो इनको क्या डालूंगा, पूरे घर में टटोला शायद कुछ मिल जाए। बहुत ढूंढा तो ऊपर एक मटकी जो अपन लटका के रखते ना ऐसे डोरे में मटकी, इस मटकी में एक आंवला मिला जो बहुत समय पहले कभी किसी वृक्ष में से फोगट का तोड़ के लाया हुआ डाला हुआ एक बच गया होगा, वो पड़ा है अभी, वो यूं पूरा पक गया है, ऐसे हाथ लगाए तो दब रहा है, गल रहा है, पानी आ रही है, यानी उसका एक्सपायरी हाँ होने का आ गया। अभी वो सोचे कि ना बोलूं, उससे अच्छा ये तो डाल दूं, ना बोलना एक संत को ना कैसे बोलूं, तो वो आंवला लेके ऐसे गई और उस आंवले को गुपचुप उनके पात्र में डाल दिया। उस बालक ने आदि शंकराचार्य ने इस आंवले को देखा तो उनको मालूम पड़ गया कि ये आंवला तो पक गया है, लेकिन इसका भाव वो समझ गए कि जरूर इस महिला के घर में कोई समृद्धि या कोई व्यवस्था नहीं है, मजबूर होकर के ये वो आंवला डाल रही है, अगर होता तो ये बहुत कुछ दे देती, नहीं होने के कारण ये डाल रही है। तो इनको मन में आया कि हे माँ महालक्ष्मी, तू इतने लोगों को अरबों पति बना देती है जिनको देने की भावना नहीं होते, और तू इस बिचारी को जिसकी भावना इतनी उत्तम है मेरे लिए कहीं से ढूंढ के ये आंवला लाके डाल दी, इसको क्यों गरीब रखी है? अंगम हरे बुलग भूषणम आचरयंती भृंगांगने व मुकुलाभरणम तबानम कनक धारा स्तोत्र, वही आदि शंकराचार्य ने रचना की उस ब्राह्मणी के लिए। यही संत पुरुषों की महिमा है, आपके लिए साधना कर रहे हो, आदि शंकराचार्य ने उस गरीब ब्राह्मणी के लिए स्तोत्र की रचना। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम भी तो रोज कनक धारा स्तोत्र सुनते हैं, हम पर माँ लक्ष्मी क्यों नहीं प्रसन्न होती? मैं बोलता हूँ वो उन पर प्रसन्न हुई जो लोगों के लिए उस स्तोत्र की रचना की, खुद के लिए करने वालों पर थोड़ी प्रसन्न होगी। माँ लक्ष्मी पागल थोड़ी है जो स्वार्थियों का कल्याण करेगी, परार्थियों का कल्याण करेगी, वो माँ लक्ष्मी का धर्म है, स्वार्थियों का कैसे कल्याण कर देगी? तो जब इन्होंने वो स्तोत्र की रचना की, कौन सी स्तोत्र है? कनक धारा स्तोत्र, बोलो कनक धारा स्तोत्र, कनक धारा। श्रावण महीने में रोज ये कनक धारा सुनने का विशेष महिमा है, और श्रावण शुक्रवार में शाम को 5 से 6 बजे में अगर ये कनक धारा सुनते हो तो लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। और यूट्यूब में कनक धारा स्तोत्र बहुत आप डालोगे तो मिलता है, कनक धारा स्तोत्र डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? कनक धारा स्तोत्र। अब मेरी बात सुनो, वो लिख लिया, लिख लिया। अब कनक धारा स्तोत्र का जब पाठ हुआ, संपत कराणी सकलेन्द्रिय नंदनानी साम्राज्य दान निरतानी सरोरुहाक्षी त्वत्बंदनानी दुरितोद्धरणोद्यतानी मामे बमातरणी सम कलयंतु नान्ये। वो कहते हैं शंकराचार्य इस कनक धारा में कि मैं तो साधु हूँ, इसके लिए मैंने गा लिया, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ त्वत बंदनानि दुरितो धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशम कलयन्तु नान्य। तुझे जो श्रद्धा से बंधन करते हैं वो बंधन करने वाले सभी लोगों को हर चीज मिल जाता है और कुछ करना नहीं पड़ता। त्वत बंदनानि दुरितो धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशम कलयन्तु नान्य। तुझे जो हाथ जोड़ता है उसको सब कुछ मिल जाता है, हे महालक्ष्मी। तो जब ये पाठ हुआ
उसी समय वहां सोने के आंवलों की बरसात हुई। क्या हुआ? वही सोने के आंवले की बरसात जहाँ हुई, उस घर के पास में केरल गया था, वो लक्ष्मी का मंदिर, वो सोने के आंवले की बरसात हुई, वो घर, उसका पूरा शूटिंग करके मैंने YouTube में डाला है। लेकिन आप इतने स्वार्थी हो, जो मतलब होगा उसको देखोगे। जब हर चीज़ देखोगे तो कहीं आपके मतलब के भी और ऊंची चीज़ें आपको मिल सकती है जीवन। मैंने वो वीडियो डाला जो सोने की बरसात हो रही है, वो जगह का वीडियो, उसको देखोगे तो लक्ष्मी की कैसी कृपा होगी। किसने देखा? अरे चार ने देखा, क्या है बाकी का? क्यों नहीं देखें? क्योंकि अपना मतलब का हम देखेंगे महाराज। हम कौन सा देखेंगे? मतलब का। तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि मेरे मतलब का। कभी कभी आपके ज्ञान, जो सोच आवश्यकता है, उससे भी बड़ी चीजें कहीं मिल सकती है। ढूंढने वाला उसको पा सकता है। जो मतलब का ढूंढेगा वो मतलब का ही पाएगा। तो अब मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि ये सोने का आंवले का बरसात कौन सा? क्यों माँ सोने की पुष्पों का बरसात नहीं कर सकती? आप सोचो, ये बात में तात्पर्य यही है कि सोने का आंवले का बरसात क्यों हुआ? सोने के फूल की तरह सोने के कमल टाइप के बरसात नहीं कर सकती? सोने की बट्टियों की बरसात नहीं कर सकती? आंवले का बरसात क्यों किया? क्योंकि भगवती माँ लक्ष्मी आंवले को अति प्रिय मानती है। किसको? आंवले को। तो यहाँ ये कहानी कहने के पीछे तात्पर्य यही था कि इन श्रावणों में, शुक्रवार में, संध्या काल में आठ आंवला जरूर हर सावन शुक्रवार में माँ कुल देवी को, अपने घर के देवी को लक्ष्मी के रूप में प्रार्थना करके, लक्ष्मी को आवाहित करके, माँ लक्ष्मी कृपा कर, माँ दया कर, मातेश्वरी मेरा कल्याण हो जाए। क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। अगर लक्ष्मी ने सोने के आंवले ही बरसाए थे तो आंवला उसको अति प्रिय, वर सावन शुक्रवार में आंवला चढ़ाएगा, उनकी कुल देवी भी लक्ष्मी बन के कृपा करेगी, इष्ट देवी भी पद्मावती भी बन जाएगी लक्ष्मी। जय हो, जय गुरुदेव। उनकी पद्मावती क्या बन जाएगी? लक्ष्मी। और लक्ष्मी भी क्या बन जाएगी? लक्ष्मी। हर देवियां लक्ष्मी के रूप में आएगी। आंवले में वो शक्ति है। किसमें? आंवले। तो अभी अगले शुक्रवार जो घर में रहेंगे, याद से घर में आठ आंवला लाके देना, शुद्ध आंवला, और उसको चढ़ा के आप खाओगे प्रसाद में, विटामिन सी तो बढ़ेगा ही, विटामिन एम भी बढ़ने लगेगा अपने आप। आंवले में तो विटामिन सी है लेकिन कृपा में विटामिन यम है, ध्यान रखना, दोनों अपने आप बढ़ता जाएगा। श्रावण के लिए ऐसा उपाय मैंने बता दिया, संसार में ऐसा उपाय कहीं मिलने वाला नहीं, ऐसा दिव्य उपाय आपके हाथ में आया। वो उपाय क्या है? जयकारा गुरुदेव का। इन उपायों से करें क्या महाराज? ये सब उपाय से होगा क्या? एक आदमी आप जैसे ही परम भक्त था भगवान का, समय पड़ते ही कृष्णगिरी आ जाता था, और कृष्णगिरी में भक्ति करने में थकता नहीं था। तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा चू आज बाके देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना, तो कृष्णगिरी आके देख ले, तो कृष्णगिरी आके देख ले। जिसने भी मैया को दिल से पुकारा, देती है मैया उनको सहारा, जिसने भी मैया को दिल से पुकारा, देती है मैया उनको सहारा। एक बार तो दिल से मना ले, महारानी का जोत जला ले, तू अर्जी लगा के देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना, तू कृष्णगिरी आके देख ले, तू कृष्णगिरी आके देख ले। अभी ऐसी माँ भगवती के चरण में आया ऐसा भक्त था, सोचता था कि कृपा अनंत है भगवान की। क्या अनंत है? कृपा अनंत है। अब एक जंगल में गया तो जंगल में जाते ही देखता है कि एक लोमड़ी वहां पड़ी हुई है। कौन पड़ी है? लोमड़ी।
लेकिन इन लोमड़ी के पड़े रहने का कारण ये था कि उसके दोनों आगे के पैर नहीं है। इसने सोचा कि ये पैर ही नहीं है तो कहाँ से दौड़ के कुछ पकड़ सकती है कि खा सकती है, इसको कैसे आहार मिलता होगा ये देखना चाहिए। ये इसे सोच ही रहा था, संयोग बना एक शेर सामने आ गया। ये घबरा के वृक्ष के ऊपर छुप गया कछड़ के, तो देखता है कि शेर किसी हिरण को मारा पहले, फिर हिरण को मार के शेर ने खा लिया, जो बचा कुचा था वही छोड़ दिया शेर को। इसीलिए राजा कहते हैं वो रखता नहीं है कोई चीज को आप जैसे बचा के, जो करना था कर दिया, बाकी लोगों के लिए छोड़ दिया। शेर का आदत ये, इसलिए वो राजा है। अभी वो शेर ने छोड़ दिया जो भी, ये लोमड़ी देखती है कि यहाँ ये मांस पड़ा है, तो धीरे धीरे खिसकते खिसकते उसको खा लिया। इसने छुपते देख के सोचा, वारी पद्मावती, ऐसे तू ये जीवों को खाना दे देती है तो मैं भी क्यों मेहनत करूं, आज से मैं भी पड़ा रहूं, वहां आना चाहिए। ये लोमड़ी बिने पैर वाली को बैठे जगह आहार आ ही रहा, आज तक वो जिंदी है तो लीला है प्रभु आपकी, मुझे भी आना चाहिए ऐसे पड़े जगह। कौन सोचे है? अब ये बेटा ही है, सोच लिया कि यहां से सरकूंगा ही नहीं, मेरे लिए भी अगर भगवती की कृपा है तो खाना आना चाहिए। तो बैठ करके सोच रहा है, एक दिन बीता कोई रोटी आई नहीं, दो दिन बीता कोई रोटी आई नहीं, तीन दिन बीता रोटी आई नहीं। अब इसको आया कि वाह पद्मावती वाह, तेरे तो मैं सोच के ही रह गया कि शक्ति बहुत है, लेकिन तूने रोटी नहीं डाला, अब तेरी शक्ति की भक्ति करके मुझे क्या फायदा हुआ। ऐसे सोचना हुआ ना, उसके सामने पद्मावती प्रकट हो गई। पद्मावती कहती है, बेटा क्या बात है, क्यों भूखा मर रहा है? वो कहे, माँ जब तू इस लोमड़ी को रोटी दे सकती है, उसको खाना दे सकती है किसी दूसरे जीव के द्वारा, तो मुझे भी मेरी भक्ति का दे सकती है, ये सोच के भूखा रहा, तूने दिया नहीं, क्यों मुझे नहीं दिया? तो माता कहती है, मूर्ख तेरे पास दो उदाहरण थे, तू लोमड़ी का उदाहरण लेके क्यों बैठा था? तू शेर बन के दूसरों को देने का उदाहरण लेना था, लोमड़ी बन के पड़े रह के खाने का उदाहरण क्यों लिया है? अब आप कौन से उदाहरण से जीना चाहते हो ये सोच लेने के लिए ये साधना में मौका देता हूं कि बैठे बैठे मेरी रोटी खानी है ये सोचोगे तो लोमड़ी की तरह हो, उस आदमी की तरह हो जो बैठे खाना सोचता है, और भक्ति कर रहा हूं साधना कर रहा हूं तो मेरे परिवार का पालन करते करते समाज का देश का गली का गांव का मैं सेवा कर सकूं, ये अगर आप में भाव आ गया तो साधना सफल है। माँ कहती है कि दो लोग हैं, तू किसका उदाहरण लेता, तेरे हाथ में है वो बात। हाँ? हम लोमड़ी की बात क्यों लें कि पड़े पड़े खाने की सोच करें, वो तो पैर नहीं था इसलिए उसके लिए लाचारी थी, हम क्या अपंगे हैं, हम क्या लंगड़े लूले हैं? हाँ? नहीं है तो फिर हम तो खाएं मेहनत करके, लेकिन हमारे इस साधना के फल से, अपने व्यापार काम के मेहनत के फल से चार गरीब रोटी खा सकें ये भावना आए तो आप सबका साधना करना सफल है। जय गुरुदेव। अपने लिए तो लोमड़ी भी सोचता है, अपने लिए तो लोमड़ी भी सोचता है, और अपने लिए आप सोचोगे तो आप कौन से महान हो जाओगे। ये सब साधना पूजा भक्ति के फल से यश कीर्ति तभी आएगी जब कुछ सेवा करेंगे। सेवा वालों की यश कीर्ति है, पूंजी कमाने वालों की कोई यश कीर्ति नहीं है। पूंजी तो कोई भी कमा ले, क्या पूंजी कमाने से यश कीर्ति होगी? नहीं भगवान। ये ठान के जाइए कि मेरे से जितना होगा गरीबों के लिए कुछ करूं, अगर ज्यादा नहीं तो एक गरीब को रोज रोटी खिलाने की कोशिश करूं, इतना तो मेरे हाथ से हो जाए। बहुत सारा भर भर के नहीं कर सकता हूं तो थोड़ा मैं कर लूं। ये सब करने के लिए इस श्रावण के शुक्रवार से आंवला, क्या चीज? आंवला। कितने आंवले? आठ। हाँ, उस आठ आंवले को एक हाथ में ले लें या थाली में रख लें, फिर 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः जाप कर लें, फिर जाप करने के बाद जब से सिद्ध ये आंवला माँ को चढ़ा दें और रात भर वहीं रहने दें, पूरे शुक्रवार के रात तक वहीं रहने दें, दीप धूप करके आंवला चढ़ा के वहीं रखें, शनिवार को सुबह उठे, हम भी खाएं परिवार भी खाएं, विटामिन सी तो बढ़ेगा, लेकिन मैंने बोला कि विटामिन ए
एम भी बढ़ेगा। हाँ, लोभ नहीं दे रहा हूँ, लोभ नहीं दे रहा हूँ, मेरा कोई प्रयोजन लोभ देने का नहीं है, लेकिन मेरा प्रयोजन आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाने का है। जय गुरुदेव। लोभ बढ़ाने की क्रिया नहीं है। और बहने क्या खुश हो रही है, क्या बहने खुश हो रही है, सब बहने बहुत खुश हो रही है।